लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हजरात यहाँ पर हमारे मीडिया पर्सन जो है यहाँ के ऊपर आए, तशरीफ लाए और उनको इंतजार की जहमत भी बर्दाश्त करना पड़ी क्योंकि बातचीत का सिलसिला जारी था और जारी अभी है। मसला ये पैदा हुआ है कि जो हमारा मुहर्रम, आपको मालूम ही है कि यहाँ लखनऊ को जो है तो मॉडल मुहर्रम है और यहाँ आज़ादारी जो है हमेशा होती आई है, तो अब की महामारी की वजह से जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसमें यह है कि जुलूस की पाबंदी लगा दी गई कि जुलूस नहीं उठेंगे। तो हमने जुलूस के सिलसिले में मुतालबा हमारा है लेकिन फिर भी हमने उस पर इसरार नहीं किया और उसके अलावा जो शाही जरी थी उसको भी उन्होंने उठने से मना कर दिया। आगा बाका जो इतना बड़ा, अभी देख रहे हैं आप कितना बड़ा इमाम बाड़ा है, उसमें भी 5 आदमी, दरदौला वो जो सादिक खान मकबरा है, इतना बड़ा मैदान उसमें जिसमें 20-25-30 हज़ार आदमी आ सकते हैं, उसमें 5 आदमी, तो अस पर ये तो बिल्कुल एक मजाक वाली बात हो गई भाई कि इतने बड़े बड़े इमाम बाड़ों में 5 आदमी बैठे हुए मजलिस कर रहे हैं। छोटी दरियाँ जो होती हैं, छोटे तादी होते हैं, वो लाकर रख दिए जाएँ घर के अंदर ताकि वहाँ घर की औरतें मातम कर लें, क्योंकि 1 साल तक अगर ताज़िया ना रखा जाए तो औरतों में बहुत बदशगुनी उसकी माना जाता है और वो ताज़िए के सामने ही अपनी चूड़ियाँ तोड़ती, कोई औरत अपनी चूड़ी उसकी टूट जाए जो शोहरदार औरत हो उसका, तो वो बहुत ज़्यादा बदशगुनी समझती है। लेकिन यहाँ मुहर्रम की पहली तारीख ताज़िए के सामने जो औरतें हैं वहाँ पर चूड़ियाँ तोड़कर अब तक वो ख़त्म करती हैं, तो वो एक बन्नत जो थी वो नहीं हो पा रही है किसी तरह से। इसके बाद पूरे यूपी में एक हड़कम मचा हुआ है, गांव मचा हुआ है और हम ये कहते हैं कि छोटे तादिये जो घरों में हैं वो उस पर जाते हैं, उठाने की भी बात नहीं कर रहे, वो कहते साहब उठेंगे कैसे, उठाने की बात अभी कर ही नहीं रहे, उसके बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो रखने की इजाज़त दी जाए। मुख्तार अब्बास साहब उनसे बात हुई, उसके अलावा हमने लेटर भेजा है वहाँ, मोदी साहब को भी लेटर भेजा है और उनको होम मिनिस्टर को भी लेटर भेजा है और यहाँ योगी जी से तो 2 मरतबा मुलाकात हुई डायरेक्ट, वो हमने उनसे यही कहा कि भाई सारे नार्थ जो आप बताएं, जो कवानीन आप बताएंगे उसके हम पाबंदी करेंगे, हल्का सा भी उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन हमें इजाज़त दी जाए मजलिस की जाए, हमें इजाज़त दी जाए कि हमें घरों में उनका साहब फिर मूर्तियाँ, तो हम देखा कि मूर्तियों को भी आप दीदी के घर में रखा जाए, हम उस पर बिल्कुल किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। घर के अंदर हर एक को पूजा करने का हक हासिल है और हर एक को मस्जिद से मातम करने का हक हासिल है, हर एक को अपने तरीके से इबादत करने का हक हासिल है, तो आप बिल्कुल उनको दें घर में, हमारे हिंदू भाइयों को आप घर में मूर्ति रखने की इजाज़त दें। और आप याद है हमारे पास वीडियो मौजूद है कि सब जगह रखी जा रही हैं, हमारे पास वीडियो आ गए हैं कि सब जगह रखी जा रही हैं, और चाहे इजाज़त से रख रहे हो चाहे बेइजाज़त रख रहे हो ये हम नहीं जानते रहे, लेकिन रखी जा रही हैं, लेकिन हमारे साथ सख्ती की जा रही है, हम अपराध बताया जा रहा है ताज़िया रखने घर में, न पिंडाल हमारे क्या होगा, न सड़क होगी, न गली होगी, बल्कि हमारा अपना घर होगा, वहाँ लेडीज़ होगी और उसी सोशल डिस्टेंसिंग लिहाज से वो मातम करेंगी, वहाँ के ऊपर मजलिस होगी, वो हमको इजाज़त अभी तक नहीं दी जा रही है। और 5 आदमियों की इजाज़त इतने बड़े इमामबाड़े में मिली है जबकि दिल्ली में 1,000 आदमियों की इजाज़त शाही मर्दा में मिली है, दरगाह शाह मर्दा में दिल्ली में 1,000 की इजाज़त मिली है। इसी तरह से और बहुत से मकाम हैं वहाँ के ऊपर भी मस्जिद की इजाज़त है कि सोशल डिस्टेंसिंग, लद्दाख की वहाँ पर तस्वीर आ रही है, कारगिल की तस्वीर आ रही है कि हिंदुस्तान से अलग है वो, वहाँ इमामबाड़े के अंदर 2-2 मीटर के फासले पर लोग बैठे हुए, तकरीबन 100 आदमी बैठे हुए, यानी जितना बड़ा इमामबाड़ा है उसी के लिहाज से 100। तो खाली क्या सारा कानून जो यही ओल्ड लखनऊ के लिए बना हुआ है क्या, पूरा कोविड के जितने कानून तो यहीं के लिए बने हुए हैं कि वो होगा ओल्ड लखनऊ में सारे कानून लगाए जाएंगे, बाकी कहीं कोई नहीं कानून लगेगा। तो हमें यही हुकूमत से शिकायत है कि आप जो है वो हमें कोविड के जो कानून है उससे भी नीचे आप ढकेल रहे हैं हमें बिल्कुल, और वो सख्ती कर रहे हैं कि जो सख्ती नहीं होना चाहिए। सभी ने भारत सबने बात हमारी सुनी लेकिन सब ने डाल दिया योगी जी पर कि भाई यूपी का मामला है, योगी जी देखेंगे, वो फैसला करेंगे, और योगी जी जो है वो पूछते हैं अफसरान से और अफसरान पता नहीं क्या उनको मशवरा देते हैं, ये कुछ पता नहीं हमें। लिहाजा अभी हमारा यहाँ पर धरना शुरू होगा यहाँ इसी वफराम के अंदर, हम धरना देंगे, इंडिफिनिट यहाँ पर धरना होगा। नहीं, 144 जो है वो यहाँ लगी हुई है लेकिन 144 में 5 आदमी मना है,
तो हमें हम कह रहे हैं हमें चार आदमी को सारी इजाजत दे दी जाए, हमारा भी आदमी चला जाए। ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से मजलिसें करने की इजाजत दी जाए, कोई रोक मजलिसों पर ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, पूरे नॉर्थ हो, वहाँ पर सैनिटाइजिंग का इंतजाम हो, स्वास्थ्य का इंतजाम हो, उसके लिहाज से हमें मजलिसों की इजाजत दी जाए। और धरना इंडिफिनिट जब तक के, और क्या पूरे यूपी में जो लोग हैं वो तैयार हैं धरना देने के ऊपर, हमें कम से कम दो दिन जो है वो धरना यहाँ पर रहेगा, उसके बगैर हल नहीं हुए तो हम फिर उसके बाद दूसरा कोई कदम का ऐलान करेंगे। हैं बस अभी शुरू, आप सब साथ हैं हमारे धरने में, आप लोग सब साथ हैं हमारे। और उसके बाद 20 आदमियों की बात हुई थी, उन्होंने 5 आदमियों की बोले, तो लिहाजा हमारा कहना ये है कि जो नॉर्म्स हैं उसके तहत तो इजाजत दी जाए हमें। अभी वही वो जो होम सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी साहब, उनसे मुसलसल बात रही हमारी, और यहाँ के कमिश्नर साहब, उनसे मुसलसल बात रही हमारी। ये अब मेन जो है वो अवनीश अवस्थी जी है, क्योंकि होम सेक्रेटरी पूरे यूपी के हैं, तो उन्होंने नहीं, उन्होंने इनकार किया इजाजत देने से। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ताजियों की घर में रखने की इजाजत नहीं दे सकते, साफ उन्होंने कह दिया। साहब यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? अब हमारे पास तो सैकड़ों हजारों फोन आए हैं, हजारों हजार फोन आ चुके हैं, लिहाजा हर एक तैयार है वहाँ, पूरे 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 यूपी में होने का तैयार, क्योंकि गांव गांव देहात देहात उठते हैं, हम सब जगह कहाँ बता सकते हैं आप। यहाँ 71 जिले हैं, हर जिले में धरना होगा, पूरे प्रदेश व्यापी है। नहीं सोशल है, नहीं धारा 44 नहीं, हमारे इमामबाड़ों के अंदर होगा, जैसे यहाँ धरना हो रहा है, धारा 44 यहाँ तो नहीं लगी है, यहाँ कहाँ लगी है सर? यहाँ के धारा 44 होती तो आप लोग लोग कैसे जमा हो जाते? तो यहाँ वो हमें मजहबी जो हमारे मकामात हैं वहाँ पर उस पर नहीं होगा, सड़क पर नहीं होगा धरना, और इस तरह पर नहीं होगा, बल्कि इमामबाड़ों के अंदर जी सब बैठेंगे। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से लोग बैठेंगे, नहीं हम नहीं बता सकते क्योंकि इतने फोन आए, हमको सब जहन में है भी नहीं कि कहाँ कहाँ से फोन आए, मगर ये समझिए पूरे आल यूपी देने अभी कोई नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने रियायती जारी रखी तो हो सकता है कि ये कोई प्रोग्राम हमारा हमारा जो उलमा फैसला करेंगे उसी के ऊपर। ये धरना तो तमाम उलमा तो है रहेंगे, सब रहेंगे सब बैठेंगे, और सब अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने लोग भी आ जाएंगे बैठ जाएंगे। हाँ धरना शुरू हो गया, हम उसको नहीं बता रहे, लेकिन अगर दो दिन फैसला नहीं हुआ तो उसके बाद कोई और हम कदम उठाएंगे सिलसिले में, अभी हम उसका ऐलान नहीं कर रहे हैं, उसके आपस में फैसला होगा। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आज दूसरी माह मुहर्रम है और इस तरीके से सरकार के जरिए जो गाइडलाइंस को दिया गया है उसको देखना पड़ेगा कि WHO और ICMR के अकॉर्डिंग वो गाइडलाइंस दी जा रही हैं जिसको फॉलो किया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें कि जहां एक इंसान के दरमियान फासला रखा जाए और उसको पूरी तरह फॉलो करते हुए आज मुहर्रम में तमाम अजादार मौजूद हैं और अपनी तमाम तर चीज़ों के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जरिए जो गाइडलाइंस को दिया गया है वो नीचे तबके तक जाते हुए यानी गाँव देहात तक पहुँचते हुए सिर्फ एक ही सरकारी अमला होता है जो कांस्टेबल होता है, उसका डंडा ही सबसे बड़ा राज करने वाला होता है, और यही देखने में आया है कि सरकार के जरिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनमें उन आजादारों को जो ताजिया बनाते हैं या उसको प्रमोट करते हैं उन पर भी सख्ती की गई। कुछ जगहों पर यह भी देखा गया कि आजादारों के साथ साथ बदसलूकी की गई, उनके घरों में जो मातम और ताजियादारी कर रहे थे उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की है, और सरकार को चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन के साथ अपना दामन को छोड़कर इस तमाम चीजों को देखती रहे कि कैसे कानून का राज होता है और कैसे लोगों के दरमियान तमाम चीजें हल की जाती हैं। देखिए काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है और चल रही थी तमाम जिम्मेदाराने सरकार से और तमाम शासन और प्रशासन के तमाम अफराद से, लेकिन जब भी मीटिंग की गई या जब भी मुलाकात की गई उसके बाद एक हीला हवाला देकर ये कि आदेश नहीं जारी किया जा सकता इन सब चीज़ों के ऊपर, जो कि आज़ादारी हम लोगों के लिए ज़रूरी थी इस चीज़ के ऊपर, तो लिहाजा हम लोगों ने यहाँ पर ये धरना शिया सुन्नी मुश्तरका इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही और हमें कोविड गाइडलाइन से भी नीचे स्तर पर हमें ढकेला जा रहा है, जो कि कोविड गाइडलाइन में हम पालन के लिए हम नॉर्म्स के लिए उनको पालन करने के लिए हम लोग आमादा हैं कि हम लोगों को उस नॉर्म्स के तहत ही कम से कम इजाज़त दी जाए, लेकिन उस पर भी किसी तरीके से कोई इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा मौलाना कल्ब जवाब साहब का ये कॉल था कि यहाँ पर सिम्बॉलिक धरना शुरू किया जाएगा और अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना होगा और इंशाल्लाह उस वक्त तक चलेगा जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। सरकार के जरिए कहा जा रहा है कि
जिस तरीके से आज़ादारी को कोई ख़तरा नहीं है, आज़ादारों को ख़तरा है, तो हम उस ह्यूमन बीइंग होने के नाते ICMR और WHO की जो गाइडलाइंस है उसके तई इस चीज़ को नाफिज कर रहे हैं ताकि लोगों के दरमियान ये स्मूजी बवा का फैलाव ना हो, स्प्रेड ना हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, सबसे पहली चीज़ आप अगर गौर करें WHO की गाइडलाइन क्या है। WHO की गाइडलाइन ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप चीज़ों को करिए। आप अपनी ज़िंदगी आप देख रहे हैं कि 50 फिट के जो है रेस्टोरेंट में जब 100 फिट के रेस्टोरेंट में जब 50 लोगों की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन जो है 1,00,000 स्क्वायर फिट के इमामबाड़े में आप 5 लोगों की इजाज़त दे रहे हैं, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें तो हिंदू भाइयों को भी आगे निकल के आना चाहिए, जो उनके गणेश चतुर्थी जो कि इस वक्त चल रही है उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम लोगों को तो हमारे हकूक से महरूम रखा जा रहा है, चूंकि आप देख लें कि हम अगर घर पर भी हमारे जो इमामबाड़ा है वहाँ पर अगर हम ज़री रख रहे हैं या ताज़िया रख रहे हैं तो उसको भी मना किया जा रहा है। ये तो सरासर एकदम हिटलर शाही हो गई है गवर्नमेंट की, कि ये हमारे हकूक से हमारी जो हमारे हमें जो संविधान ने जो हमें हक दिया हुआ है उसके खिलाफ ये लोग हरकतें कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ तो हमें असंवैधानिक इस गाइडलाइन के खिलाफ हमने तो बैठना है धरने पर, और अगर हम नहीं बैठेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने आप को गैर जिम्मेदार शहरी समझते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हम लोगों की तय हो रही थी जब बातचीत हुई है मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो बस हम चाहते हैं, इतनी सी बात मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि जो बातें तय हुई थी उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए, जो वादे किए जा रहे हैं उसको वफा भी कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं और अचानक उसमें तब्दीली आई जा रही है, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है। देखिए, मेरे वालिद ने एक महीना पहले मुहर्रम के पहली ज़ियारत को अपने लेटर हेड पर एक कौम के नाम की आज़ादारी कोरोना वायरस के हालात में कैसे की जाए, एक लोगों ही से राय मांगी थी कि आपकी क्या राय है। तो एक महीना पहले से जो कोशिशें हो रही थी, वो मुहर्रम का चांद हो गया, 4 बजे सुबह एक ऑर्डर आया कि 5 लोग, यानी मुहर्रम की 4 बजे सुबह पहली मुहर्रम को ऑर्डर मिला है। तो इतनी लेट अगर काम किया जाएगा और बातचीत ही में अगर वक्त सारा गुजर जाएगा, तो मैं इसलिए किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मतलब ये कि जो 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 जिस जिस का नाम आपके जहन में आए उससे बात की जा चुकी है, लेकिन खाली वो बात सुन के उसको जो है उसके जो भी बातें कही जा रही हैं उसको अमली जामा पहनाया ना जाए, तो ये हम लोग खुद अपने आप को बहुत कभी कभी वनरेबल सिचुएशन में पाते हैं कि ऐन मौके पर जो है वो पता चला कि कोई तब्दीली आई जा रही है या जो कमिटमेंट हमसे किया जा रहा है मीटिंग में उसमें कोई तब्दीली आई जा रही है, तो उससे हम लोग बहुत खुद भी परेशान हैं। और 5 लोगों में मजलिस तो हम अकेले भी पढ़ लेंगे, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इतना अलाउ करें कि अगर गुंजाइश है तो कम से कम इतना अलाउ करें कि जितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर में आ सकते हैं। आज के इस मौके पर खास बिल्कुल एक सवाल, और एक सवाल ये है कि गांव गलियों तक जो ये आज़ादारी होती थी, और खास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि जो आज़ादार गांव के हैं और वहां मातम तक करने दिए, तो उसके बारे में भी कि क्या आप सरकार को कोई इस तरह का पैगाम देंगे कि इन सारी चीज़ों को मिला के उस तक भी उसको भी देखा जाए? यही बात की है कि आज़ादारी में सब शामिल है, आज़ादारी में मातम शामिल है, आज़ादारी में मजलिस शामिल है, आज़ादारी में ताज़ियादारी शामिल है, सब चीज़ें शामिल है। तो लिहाजा जब ताज़िया रखा जाएगा तो मातम भी होगा, जब ताज़िया रखा जाएगा तो मजलिस भी होगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से करके ताब को पूरा करते हुए हमें घरों के अंदर आज़ादारी की इजाज़त दी जाए और ताज़िया रखने की इजाज़त दी जाए, यही हमारा डिमांड है। तो आपने देखा किस तरीके से मौलाना कल्ब जवाद नकवी साहब ने अपना मौकिफ जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि सरकार के जरिए जो भी गाइडलाइन है वो उस गाइडलाइंस को देखे कि दूसरे और स्टेट में किस तरह से उसको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ये अलग से गाइडलाइंस है ना, WHO की गाइडलाइंस है ना, ICMR की गाइडलाइंस है। मोहम्मद नौशाद बिलग्रामी के साथ मैं अथर काजमी, लिखना न्यूज़, लखनऊ।